Hello everyone, I hope all of you are well. Today we will have with us Sushi. She plays from Odisha. She is an all-rounder and she was also the part of Velocity team in the recently concluded Women's 2020 Challenge. I'll just quickly add her. Hi Sushi. Hi, hello, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. Can you hear me well? Sorry? Can you hear me well? Yes, perfect. Yeah, okay. So how are you? How have you been? Yeah, it's all good. Doing good. How are you? I'm good too. So chaliye start karte hain. So बताइए सबसे पहले कि हाउ हैव यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, कब से आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, कैसे आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट आया? क्रिकेट खेलना तो बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। हाँ जैसे होश संभाला बोल सकते हो, तब से बैट ही पकड़ा है। गलियों में लड़के ही थे तो उनके साथ वो क्रिकेट ही चूज करते, तो मुझे भी क्रिकेट खेलना पड़ा और मुझे पसंद भी आया काफी। मुझे और कोई गेम में एक्चुअली ऐसे बोल सकते इंटरेस्ट ही नहीं आया क्रिकेट छोड़ के। तो उनके साथ खेलते खेलते धीरे धीरे बड़े बड़ी हुई, फिर मुझे लगा कि इसको मैं खेल सकती हूँ, आगे मैं लेके जा सकती हूँ। तो फिर मुझे मजा भी आने लगा। फिर ऐसे करके 9th स्टैंडर्ड में मैंने घर वालों को बोला कि मुझे ज्वाइन करना है, क्लब ज्वाइन करना है, मुझे खेलना है, इसको आगे लेके जाना है। तो फैमिली वाले इतने सपोर्टिव थे तो उन्होंने एक से एक बार सोचा और अरेंज मतलब ढूंढ रहे थे कि कहाँ से कैसे होता है, क्या होता है, लड़कियों लड़कियों को कहाँ होता है क्या क्रिकेट, उनको पहले से लाया लड़कियों का क्रिकेट होता है क्या। फिर थोड़े टाइम बाद बहुत ढूंढ के जो एक मेरे कोच है खिरोद बेहरा, उनके नंबर मिला पापा को कहीं से, उनसे बात हुई, फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन किया और तब से अब वही है। ओके तो मतलब आप 8th स्टैंडर्ड से ही आपने खेलना स्टार्ट कर दिया, फिर जब से आपने प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन की उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। ओके तो बताइए फिर आपकी जो जर्नी रही प्रोफेशनल एकेडमी से, जो भी आपने टूर्नामेंट्स वगैरह खेले और उसके बाद स्टेट टीम में सिलेक्शन, तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? बोल सकते काफी स्ट्रगल था जी क्योंकि जहां पे मैं रहती हूँ वहां से ग्राउंड जाना, ग्राउंड बहुत दूर था, तो मुझे साइकिल से जाना पड़ता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। और 25 to 30 किलोमीटर्स अराउंड में साइकिलिंग करती थी दिन का जब मैं स्टार्ट करती थी। तो मुझे ऐसे स्कूल फिर प्रैक्टिस जाना बहुत, तभी मेरा हालत खराब थी। लेकिन फिर मुझे जब एक बार आपको कुछ मजा आ जाता है फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर मैंने ऐसे मैं गए जा रही थी तो 2010 जब मैं डिस्ट्रिक्ट खेलने गई थी, सोचो परफॉर्मेंस हुआ था, इतना भी काफी बहुत एट्रैक्टिव था नहीं मेरा परफॉर्मेंस। लेकिन स्टेट जो कैंप होता है, एकेडमी कैंप होता है, उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर वहां पे मैंने ठीक ठाक किया, मतलब बहुत अच्छा नहीं किया, ठीक ठाक खेला था, लेकिन फिर आगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे थोड़ा दुख तो लगता है, चाहे आप परफॉर्म करो ना करो, सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसे बुरा लगता है। फिर मैंने कहा नहीं, इससे कुछ होने नहीं वाला, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। तब मुझे जब मैं रिजेक्ट होके आई घर, उसके बाद मेरा फोकस और मेरा जो आप बोल सकते हैं कि डेडिकेशन वो बढ़ गया। तो उसके बाद मैंने जो मैं जितना देती थी क्रिकेट को, टाइम हो और जो भी एनर्जी हो, वो दुगना हो गया। फिर उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट टीम में अगले साल, जो मैंने एकेडमी कैंप हुआ, जो मैचेस हुए, ट्रायल्स मैचेस, तो मैंने काफी अच्छा परफॉर्म करा। तो फिर मुझे मेरा सिलेक्शन अंडर 19 टीम में हो गया था नेक्स्ट ईयर 2011 में। ओके तो जो आपने स्ट्रगल की बात करी आपके बीच में, तो इन सब में फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करता है? आपको आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया उस टफ पीरियड में, क्योंकि आपने मुझे बताया कि 25 किलोमीटर साइकिलिंग करके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, कि वार्म अप और फिटनेस क्रिकेट ट्रेनिंग पहले ही हो जा रही है और फिर आप ग्राउंड पहुंच रहे हो, तो आपके लिए उस चीज को एडजस्ट करना और वो कितना डिफिकल्ट था?
कभी कभी लगता था मैं सर को जाके बोलू, सर आज मैं फिटनेस नहीं करती हूँ, मेरा हो गया है, मैं बहुत दूर से साइकिल चला के आई हूँ, मेरा हो गया है। लेकिन सर है बहुत स्ट्रिक्ट, तो तब तो फिटनेस भी काफी होता था, बहुत ज्यादा होता था। पहला फिटनेस बिल्डिंग जाके आप नेट्स करो, ऐसा था हमारे वहां पे। तो अभी वो सोच के ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकते इतना मेहनत, तो लेकिन तब जोश जोश में पता नहीं कैसे मजा भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था करने के लिए। मीन भाई नुजहत आपसे बोल रही है हाय, और आपको स्वीप मारना किसने सिखाया? उसको मैंने सिखाया एक्चुअली। ओके ओके अच्छा तो बात करते हैं फिर आपके वो डेज की जहां पर स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आपने काफी टूर्नामेंट खेले और फाइनली आपको इंडिया ग्रीन और इंडिया ए में खेलने का मौका मिला। आपकी वो जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रगल था, कैसे आपने आपको ओवरकेम किया और अपना जो रोल था उसको निभाया? जब 2014 में मैंने चैलेंजर खेला था, फर्स्ट चैलेंजर रांची में हुआ था। स्मृति कैप्टन थी, एक अंडर 19 टीम का एक चैलेंजर होता था जो इंडिया ग्रीन ही खेलता था, वो अंडर 19 के जो बच्चे हैं वही खेलते थे, तो उसमें स्मृति मंदाना कैप्टन थी। और तभी बहुत यंग थे और बहुत स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, इतने बड़े बड़े जो प्लेयर उनको देख के वो इंस्पिरेशन मिला, वो सब बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो मैं बोलूँ जर्नी की बात, तो 2012 में फिर मुझे सीनियर्स के लिए चांस मिला, जब तब मेरा परफॉर्मेंस बॉलिंग में बहुत, तो 2 3 साल में अच्छा बॉलिंग कर रही थी, स्टेट में भी हो चाहे जोन मैचेस में हो, तो ऐसे सिलेक्शन होता जाता था। स्टेट में फिर जोन में हुआ, फिर जेसी कैंप लगता था उसमें हुआ, तो वहां पे खेल के एक अच्छा प्लेटफॉर्म को मिला था उस टाइम पे, अच्छा गेन करने के लिए क्रिकेट नॉलेज। उसके बाद जब 2014 में चैलेंजर्स में मेरा मेरा नाम है, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग भी था और मजा भी आया था। तो जैसे जैसे आप खेलते गए अंडर कैप्टनसी चैलेंजर्स ट्रॉफी और ये सब, वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस बिखरता गया और आपको आगे चांसेस मौके मिलते रहे। तो हाँ जी। आपका जो रोल है ऑफ स्पिनर और ऑलराउंडर बोल सकते हैं, तो ये जो आपने खुद ही मतलब डिसाइड किया या फिर ओवरकम जैसे जैसे करते अपनी स्किल्स पता चली और ये रोल आपने चूज किया? नहीं, रोल जब स्टार्ट आप करते हो तब आपको बैटिंग ही अच्छी लगती है, तो मेरा भी सेम केस था, बैटिंग ही बैट्समैन हो चाह मतलब बनने के लिए मैं गई थी। लेकिन फिर आप सीखते हो, बाकी चीजें सीखते हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, वो सब सीखते हो, तो बॉलिंग मैंने जल्दी कैच किया, तो फिर मैं मेन बॉलर बन गई। लेकिन मैं बैटिंग मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है बॉलिंग से ज्यादा, तो सर ने बोला कि पहले बॉलिंग करो फिर टीम में आओगे, फिर बैटिंग होती रहेगी। तो अभी मेरा मेन स्किल बॉलिंग है, लेकिन बैटिंग मुझे सबसे अच्छा लगता है, स्पेशली तो स्वीप। स्पेशली ओके क्योंकि वो काफी स्कोरिंग शॉट है, तो स्कोरिंग शॉट, तो वो बचपन से था पुल स्वीप, तो फिर बिल्कुल, मुझे आपका एक परफॉर्मेंस याद आता है अगेंस्ट बंगाल 2020 चैलेंज था, सीनियर वुमेन्स 2020 चैलेंज। उसमें आपने 43 रन बनाए 36 बॉल पे, 2 विकेट भी लिए और एक रन आउट भी किया, तो उसके बारे में आप क्या वो बोलना चाहते हो, उसमें वो परफॉर्मेंस था आपका? पौंडीचेरी में हुआ था 2018 आई गेस। पौंडीचेरी पहली बार हम गए थे, तो हमको पता भी नहीं था वहां पे कैसा विकेट हुई, कैसा वेदर है। लेकिन फिर पहला मैच अच्छा परफॉर्मेंस होता, वो थ्रू आउट द सीरीज मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, तो बंगाल के साथ मतलब उड़ीसा और बंगाल, हम लोग काफी ऐसे इंडिया पाकिस्तान वाला मैच होता है, तो थोड़ा एनर्जी थोड़ा जोश ज्यादा होता है उस मैच में। हमारा स्टार्टिंग इतना बहुत अच्छा नहीं हुआ था, हम लोग थोड़े कम स्कोर में चल रहे थे, तो मैं जब गई थी तब बहुत ही कम ओवर बचा हुआ था, 7 8 ओवर बचा हुआ था, तो मैं स्टार्टिंग से जाके कि अपना सिंगल डबल्स लेके, फिर जब मुझे लगा कि हाँ ये मेरा टाइप की बॉलिंग हो रही है, मैं खेल सकती हूँ, फिर एक बार आपका बैट खुल जाता है फिर आपको कहीं पे भी मार सकते हो, तो मुझे वो मैच बहुत मजा आ रहा था एक्चुअली खेलने के लिए, मुझे लग रहा था
और बॉले होनी चाहिए थे बैटिंग करने के लिए, तो बहुत मजा आया। रितु मैम वो जो कोच है वो उड़ीसा के पहले रह चुके हैं, मैं उनको अच्छा मतलब मेरे एक अच्छे कोच मानती हूँ, तो उनके सामने परफॉर्म करना एक अलग ही मजा था उसका। फिर जब बंगाल के सामने करते हो तब तो और भी मजा आता है, एनर्जी लेवल डबल हो जाती है, तो बहुत मजा आया था वो मैच आज। और मुझे मैन ऑफ द मैच का वो एक वहां पे पौंडीचेरी में स्पेशली मिल रहा था तभी, एक मेडल जैसा, तो मुझे वो मेडल भी मिला था, मैं इधर इधर ही रखा हुआ मैंने वो। ओके ओके जी बिल्कुल। जब आप जैसे बता रहे हैं कि जो उस मैच की इंटेंसिटी होती है इंडिया पाकिस्तान जैसे होती है, तो वी कैन इमेजिन अगर आपने वो जिताया होगा तो कैसा फील हुआ होगा प्लेयर ऑफ द मैच बनके स्पेशली। मीन भाई एक क्वेश्चन बिल्कुल है ये पूछने के लिए कि गली क्रिकेट आपने खेला है और गली क्रिकेट कितना हेल्प करता है एक्चुअल मैचेस खेलने में, जो डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस होते हैं उस। गली क्रिकेट मैंने एक्चुअली जब मैं एकेडमी जाना स्टार्ट नहीं करा तब खेल रही थी, बच्चों के मतलब जो लड़के होते हैं उनके साथ खेल रही थी। और हाँ हेल्प तो अब अगर देखा देखा जाए तो हेल्प तो करता है, पावर हिटिंग में भी हेल्प करता है। अभी मैं खेल नहीं रही हूँ बहुत टाइम से, लेकिन जो मैं गली क्रिकेट खेल के जो मेरा पुल शॉट है या जो स्वीप शॉट है वहीं से ही आया है, तो बोल सकती हूँ कि हेल्प तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। जी बिल्कुल, स्पेशली आप जब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ खेलते हो जिनकी अलग स्किल्स होती है, बॉय गर्ल सब मिलके, तो उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। हाँ जी हाँ जी, बॉयज के एक्चुअली मुझे इतना उस टाइम पे इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था, जो लड़के थे वो ऐसे उनके मन में था नहीं कि इसको नहीं खिलाने है, लड़की है इसको क्यों खिलाए, तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कहीं पे भी जाके किसी के भी साथ खेल सकती हूँ। क्योंकि जब आप लड़के के साथ बचपन से खेल लेते हो तब फिर आपको वो जो ऐसे सिकोड़ने वाला फीलिंग कहीं आता नहीं है, तो वो मुझे काफी हेल्प करा है। अब बात करते हैं आपकी कैप्टनशिप की, तो आप सीनियर टीम को भी लीड करती हैं अंडर 20 में, और आपने इंडिया ग्रीन को भी लीड किया है, तो जो वो कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस था कितना डिफरेंट था, आपने कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और एज अ प्लेयर कैसे आप उससे और अच्छे से इवॉल्व हुए? कैप्टनसी मिलना एक रेस्पेक्ट वाली बात होती है, तो जब मुझे पहले अंडर 19 का मिला था उड़ीसा टीम के लिए तो काफी ऐसा था कि कैसे करे, क्योंकि सब मेरी उम्र के मुझसे छोटे उनको कैसे हैंडल करे, और जो अंडर 19 और 23 को हैंडल करना ज्यादा टफ है, क्योंकि वहां पे थोड़ा आपको वहां पे एडेड प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पे मुझे मजा भी आ रहा था क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपकी बोलिंग और बैटिंग दोनों में वो हेल्प करता है, और मुझे एक्चुअली मैं कैप्टेंसी में बैटिंग ज्यादा हेल्प करता हूँ, मैं थोड़ा सा लेके खेलती हूँ कि मैं कैप्टन मुझे तो रहना चाहिए, तो मैं जब भी जब भी कैप्टन हूँ मेरा बैटिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है। और जब आप कैप्टन होते हो तो आप सिर्फ अपना नहीं पूरे टीम का सोचते हो, अपोनेंट का भी सोचते हो, तो मेरा मानना है कैप्टन हो के आपका जो नॉलेज है क्रिकेट को लेके वो काफी बढ़ जाता है, तो मजा आता है कैप्टन। और जब मैं फिर 23 मैं कैप्टन बनी तब मेरे से थोड़े सीनियर्स थे हमारे उड़ीसा टीम में, तो उनको भी हैंडल करना और बच्चों को भी हैंडल करना काफी मजेदार था। जैसा आपने बताया कि आपको कैप्टनशिप काफी अच्छी लगी, उस प्रेशर में आपका गेम और आगे निखर गया, तो जैसे कि हम बात करते हैं कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है टीम को साथ लेकर चलना, और आपको क्या लगता है आपकी कैप्टनशिप स्किल किससे थोड़ा मैच करी, लाइक आप अग्रेसिव रहते हैं या फिर काम रहते हैं, कैसे आप प्रेफर करते हैं? वो तो जो मेरे अंडर खेले हुए बेटर बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाती हूँ कि क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है नहीं कैप्टनसी का, तो आप जब एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता तो आप थोड़े खुद को कंट्रोल करना आपको आता नहीं इतने अच्छे से, तो मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव हो जाती हूँ फील्ड में भी। जी बिल्कुल, चाहते हैं कि सब चाहते हैं अपने अपनी टीम को जिताना, तो वो इमोशन एक नेचुरल है आ जाना कि हाँ 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 सब वो परफॉर्म इमोशन करें। कंट्रोल, हाँ इमोशन कंट्रोल जब आप छोटे होते तब इतना आपको एक्सपीरियंस है नहीं कि कैसे करे बच्चों को कैसे लेके चले, तो वो थोड़ा निकल जाता है। तो अभी आप कैसे क्रिकेट और फिटनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी मैचेस प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो गई या कैसा चल रहा है अभी? अब प्रैक्टिस स्टार्ट हो गए आईपीएल के बाद, थोड़े यहाँ पे केसेस बढ़ गए थे तो 10-15 दिन कुछ बंद था, फिर उसके बाद अभी स्टार्ट हो गया है,
फिटनेस, और अभी नेट्स भी चल रहे हैं, मतलब ध्यान तो उतना दे नहीं पा रही क्योंकि हमको पता नहीं किस चीज पे फोकस करें, क्या खेले, क्योंकि आगे कुछ टूर्नामेंट दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो फिटनेस है या आप जो जिसमें आप इम्प्रूव करना चाहते हो, काफी अच्छा टाइम है उस पर इम्प्रूव करने के लिए, भी काफी टाइम मिल रहा है हमको तो। जी, आपने एक बात करी वुमेन्स क्रिकेट के बारे में कि आगे कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा शेड्यूल, अब कौन से मैचेस होंगे, तो इस बारे में आपको क्या कहना चाहते हो? लाइक हम देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वुमेन्स क्रिकेट काफी डेवलप हो रहे हैं, लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफी लोग उससे जुड़ रहे हैं, बट एक जो लैक ऑफ क्लैरिटी है अभी तक भी, तो वो आपको कहीं ना कहीं आप उसको कैसे एडजस्ट करते हो माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ वी डोंट नो, पर सडनली कोई भी कभी भी टूर्नामेंट अनाउंस हो जाएगा और वी हैव टू बी एट आर बेस्ट. वो तो है एक्चुअली। अभी जैसे बॉयज का T20 होने वाला है, तो वो प्रिपेयर हो रहे कि हमको T20 खेलना है। लेकिन वो बात अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हम किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे, T20 के लिए हो या वनडे के लिए हो। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, हम लोग अपना जो मैं जिन लोगों के साथ टच में हूँ, जितने लोगों के साथ, सब अपना जितना पहले भी खेलते थे 100% देते थे, प्रैक्टिस में अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो हमको तो साथ में लेके चलना पड़ेगा, फिटनेस भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, फील्डिंग भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि अभी क्या पता 1 महीने में कुछ मैच आ जाए। तो उसके साथ हम चल रहे कि हम भी प्रिपेयर है, मेंटली प्रिपेयर है कि कुछ भी मैचेस आएंगे उसमें 100% देना है। लेकिन बस वो ही डिफरेंस है कि कैसे खेले, किस तरह से प्रिपेयर हो। जी बिल्कुल, हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट में, बिल्कुल ये चाहते हैं कि आगे एक क्लैरिटी रहे और चीजें पता चले कि क्या होगा, ताकि हमारे प्लेयर्स और अच्छे से आगे बढ़ पाए. हाँ जी, अभी इसी में बात करना चाहूँ, अंडर 19 जो गर्ल्स हैं, उनके लिए काफी चांस है कि वो ज्यादा फोकस रहे, तो उनके लिए ज्यादा टूर्नामेंट आ रहे हैं। तो मैं बोलूँ अंडर 19 गर्ल्स के लिए काफी चांस है कि उनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अभी। जी बिल्कुल अच्छी बात है, जितना ज्यादा क्रिकेट देखने को मिले हम सब तो उतने ज्यादा खुश होंगे. यस। मैं बात करूं अगर वुमेन्स क्रिकेट की, तो आपने जब से खेलना स्टार्ट किया और अभी जो सिनेरियो है वुमेन्स क्रिकेट को लेकर, लोग इतना मतलब उसको प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपका उस बारे में क्या कहना है? जब मैंने स्टार्ट किया था 2010-11 में, तभी तभी भी लोग देखते थे क्रिकेट, लेकिन उतना नहीं पता था लोगों को, इतना इंटरेस्ट नहीं देते थे। लेकिन जो 2017 वर्ल्ड कप हुआ, जब हम रनर्स अप हुए थे, बहुत ही कम मार्जिन में हम हार गए थे, लेकिन वो जो पूरा टूर्नामेंट था और वो विमेन्स क्रिकेट का जो नजरिया है, जो सिनारियो, वो सब बदल दिया लोगों को। और लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आने भी लगे विमेन्स क्रिकेट पे। मैच होता है तो पूछते कब है, क्या है, हमने देखा है, हमने देखा है, तो वो काफी अच्छा लगता है। और पूरा क्रेडिट उन पे जाते हैं जो 2017 वर्ल्ड कप टीम में थे। उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि उसके बाद से ही विमेन्स क्रिकेट यहाँ पे, अगर बोलते तो अभी यहाँ पे है, तो उनके वजह से है। और अगर एक और वर्ल्ड कप हम जीत जाए, तो फिर विमेन्स क्रिकेट का जो लेवल है वो और भी बढ़ जाएगा। होपफुली जो कमिंग वर्ल्ड कप है जिसका शेड्यूल अभी अभी पता चला है 2020 में जो होने वाला है, 2022 में, तो आई होप ऐसा हो एंड जल्दी से कोई ट्रॉफी आए और ज्यादा वुमेन्स क्रिकेट का डेवलपमेंट हो और ज्यादा लोग इससे जुड़े. तो वही एक कल ट्रॉफी के प्रोग्राम में हम सब है। हाँ बिल्कुल, हम सब एक्चुअली पूरे फैंस, क्रिकेट फैंस एक ट्रॉफी के इंतजार में है, क्रिकेट से, इंडियन क्रिकेट से, चाहे वो वुमेन्स हो या मेन्स हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया कि हमने एक ट्रॉफी, एक टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता. यस। सो बीइंग अ गर्ल, आपने अभी तक जो भी चैलेंजेस फेस किए एज अ क्रिकेटर, स्पेशली वुमेन्स क्रिकेटर, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो वो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो जाती है, मतलब लोग इनिशियली इतनी जल्दी अप्रिशिएट नहीं करते, तो आपने जो चैलेंजेस फेस किए आप उसे कैसे ओवरकम हुए? मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात हुई है कि मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स है, जो मेरे पड़ोसी है, नेबर्स है, भैया है, जो भी है, जितने भी लोग हैं, ऐसा मुझे कभी फील होने नहीं दिया कि तू क्रिकेट क्यों खेल रही है, तू तो लड़की, तू क्रिकेट क्यों खेल रही है, वो चीज मुझे कभी फील नहीं हुआ है। लेकिन
मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत फ्रेंड से सुना है कि मेरे घर पे बोलते हैं अंधेरा होने से पहले आ जा, ये मत कर वो मत कर, रिश्तेदार ऐसे वैसे बोलते हैं। तो मैं मुझे वही चीज बोलना है, ये चीज एक्चुअली उड़ीसा में, इंडिया में बोल सकते हैं काफी होगा, और उड़ीसा में मैंने बहुत लोगों का सुना है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को कि अगर कुछ लड़की करना चाह रही है उसको आप टाइम दो, अगर वो आप देख रहे हो कि नहीं है तो फिर रोक दो, पहले से मत रोको, पहले से आप टाइम दो उसको, समझो उसको, वो जो चाहती है उसको करो, टाइम दो। उसके बाद अगर नहीं, आप समझ लो कि नहीं हो पाएगा, फिर रोको, पहले से मत रोको। तो मैं मुझे इस चीज का जो चैलेंज है, ये चैलेंज मुझे कभी फेस करना नहीं पड़ा। बाकी बाकी सब नॉर्मल चीजें सबके साथ होती है, मैं लक्की हूँ कि मुझे वो चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा कि लड़की यहाँ मत जा वहां मत जा, ये मत कर। जी बिल्कुल, अच्छी बात एक आपने कही कि एटलीस्ट आप उस इंसान की टैलेंट और कैपेबिलिटीज देखें, अगर वो ज्यादा अच्छा कर सकता है तो करने दो, नहीं तो फिर शायद आप उसको फिर मना कर सकते हैं, लेकिन उसे एटलीस्ट एक ट्राई देने दें कि हाँ एटलीस्ट ट्राई कीजिए जरूर देख। बात करते हैं वुमेन्स 20 मिनट चैलेंज या फिर वुमेन्स आईपीएल की जो अभी हुआ। आप 2 साल से वेलोसिटी टीम का पार्ट रहे हैं, तो इस बार जो हुआ वुमेन्स 20 मिनट चैलेंज वो टोटली डिफरेंट था, क्राउड नहीं था, एक आपको एक बायोसिक्योर बबल में रहना था। पहली बार तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और कैसे आपने अपने आप को एडजस्ट किया उसमें? देखा जाए तो लास्ट ईयर से ये टूर लंबा था। कैसे लंबा था कि हमको 14-15 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ा, और इतना आप टेस्ट के टेस्ट दो, कोविड टेस्ट दो, फिर इतना टाइम रहो, फिर उसके बाद सडनली 2 दिन का प्रैक्टिस मिला, हमको मैच मिल गया। तो टूर लंबा था लेकिन हमको मैच खेलने उतने ही मिले जितने लास्ट ईयर मिलते थे। बस लास्ट ईयर का एक अच्छा फील हो रहा था कि इतने सारे क्राउड्स आए थे, पहली बार इतने ज्यादा क्राउड हम देख रहे थे। जब आपको अगर देखा होगा, आपको पता होगा, फाइनल मैच में 15,000 क्राउड थे जयपुर में, तो काफी बहुत ऐसे अच्छा लगा था कि हाँ चलो इतना है तो नेक्स्ट राउंड को ज्यादा मैच मिलेंगे, लेकिन वो इतना हुआ नहीं। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने करवाया, इतने इस समय में भी करवाया, तो उसके लिए हैट्स ऑफ है। एक्सपीरियंस काफी अच्छा था क्योंकि लास्ट ईयर जो भी फॉरेनर्स थे इस टाइम पे कुछ अलग आए थे, नए आए थे, तो हमारे टीम में जितने भी फॉरेनर्स थे उनके साथ इतना काफी फ्रेंडली, वो लोग इतने फ्रेंडली है, उनके उनसे बात करके ऐसा लग नहीं रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं या फिर हम जानते नहीं है। तो उन उनसे उनके साथ रह के एक अच्छा माइंडसेट मिला है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और अगर मैच की बात करें तो अच्छा था, हमारा फर्स्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग था, ऐसे बाइटिंग मैच था बोल सकते हैं। हमको एक्सपेक्ट नहीं था कि हम लोग उस सिचुएशन को निकाल के हम जीत जाएंगे, लेकिन जीते, वो काफी अच्छा था। और नेक्स्ट मैच में जो भी हुआ, डिजास्टर हुआ उस एक मैच में, आप होता है, आज भी जैसे इंडियन टीम ऐसे हो गया, तो बस वो एक दिन होता है, एक फेज होता है, लेकिन काफी अच्छा लगा क्योंकि पहली बार आईपीएल, तो वो अच्छा था, मजा आया। और जी जैसे आपने बात करी सेकंड मैच की, तो वहां पर भी आपको टाइम भी मतलब 12 आवर्स से 24 आवर्स से कम का टाइम मिला था आपको वापस अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए और वापस मैच में जाने के लिए, लेकिन उस हिसाब से ठीक है चलता रहता है पार्ट एंड पार्सल, कभी आप जीतते हैं कभी आप हाँ जी हारते हैं। बट वही जैसा आपने कहा कि मैचेस बहुत कम थे, हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा टीम्स हो, ज्यादा मैचेस हो और ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले वुमेन्स चैलेंज में। हम भी यही होप करें कि नेक्स्ट ईयर हमको थोड़े और मैचेस मिले, कम से कम 2-3 मैच खेलने को मिले, ताकि परफॉर्म करने का जो चांस है वो बढ़े और हम अपने आप को प्रूव कर पाए। जी बिल्कुल, तो ये जो इनिशिएटिव है एज अ होल, ये इससे काफी एक चेंज आएगा वुमेन्स क्रिकेट में, और लोग भी जैसे आप जो फॉरेनर्स के साथ जैसे आपने कहा जो अदर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, उनसे जो सीखने को मिलता है वो एक इरिप्लेसेबल होता है, बिकॉज आप यू आर शेयरिंग द सेम ड्रेसिंग रूम, यू आर शेयरिंग योर इनपुट्स एंड ऑल, तो वो सब कितना हेल्प करता है किसी भी प्लेयर को। फर्स्ट चीज सिर्फ फॉरेनर्स नहीं, जो इंडिया के जो स्टार्स है, जो जिनको हम देख के बड़े हुए, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनसे बातें करना, उनको देखना वो क्या करते हैं ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, वो काफी
क्या बोलते हैं उसको, वो काफी एनर्जी आपको देता है कि हाँ सही में आपके सामने वो लोग हैं जिनको आप टीवी में देखते थे कभी, या फिर आप सोचे थे कभी इनके जैसा खेलने का। तो एक कॉन्फिडेंस वाला मैटर है वो बहुत हाई होता है वो मैचेस में। आप चाहे खेलो बाहर बैठो, वो देख के आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है बहुत ज्यादा। और उनके साथ खेल के बातें करके वो ऐसे बटरफ्लाई वाली फीलिंग हमेशा से है। तो अभी जितना आप उनके साथ मिलोगे मिक्स होगे तो वो धीरे धीरे से थोड़ा आइस ब्रेक होता है उनके साथ। तो वो चीज मुझे अच्छा लगा कि एक्सपीरियंस काफी गेन हुआ है और कॉन्फिडेंस बहुत। जैसा आपने बताया कि जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स भी इतने जो ज्यादा जो लेजेंड्स जिसको बोल सकते हैं, जैसे मिताली राज और ये सब, आप तो उन्हीं की कैप्टनशिप में थे वेलोसिटी के अंदर, तो उनसे और जो भी कृष्णमूर्ति, हमने आपका वो वीडियो भी देखा, डांस वीडियो, तो वो सब जो एक्सपीरियंस था, फन होता है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, और साथ में जो उनसे सीखने को मिलता है वो कितना हेल्पफुल था, और आपको मिताली राज के साथ जो टाइम स्पेंड, जो सबसे अच्छी बात आपको उनसे सीखने को मिली वो बताइए। जो फन चीज है वो हमारे टीम में, मैं बताना चाहती थी ज्यादा है, थोड़े से मस्ती वाले लोग हम ज्यादा, तो फन तो चलती रहती थी मैचेस के अंदर भी या ऑन फील्ड ऑफ फील्ड। तो वो जो जो आपका जो सीनियर और जूनियर का जो गैप है वो हटा देता है आप अगर कंफर्टेबल हो जाए तो एक बार तो। और मिताली दी की बात करूँ तो वो लेजेंड है, उनसे आप वो कुछ भी बोल दे तो वो छप जाता है, मन में छप जाता है क्या बोल रहे हो। तो वो उनका एक बहुत अच्छा चीज लगा, जब जब हम मैच सेकेंड मैच हम हार रहे थे तभी भी उनका ऐसा था नहीं कि हम जा रहे हैं बोलिंग करने जा रहे हैं, ऐसा उनके चेहरे पे एक भी प्रेशर नहीं दिखा हमको। चाहे पहला बॉल हो चाहे मैच का इनिंग्स का लास्ट बॉल हो, उनका एक्सप्रेशन सेम था, उनका जो इन ऑन फील्ड कैप्टनसी था वो सेम था। और इतना अच्छे से सबको समझा रहे थे कि एक ही मैच है, एक ही दिन में दिन खराब होता है। तो वो चीज काफी अच्छा लगा उनके मुंह से सुन के, क्योंकि उनको इतना खराब लग रहा हो कि क्या मैच हो गया, लेकिन फिर भी सबको हैंडल इतना अच्छे से किया, वो चीज काफी उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ी। जी बिल्कुल, सेम चीज जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कही थी कि इट्स जस्ट अ डे, कभी जीते कभी हारते हैं, तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी हाउ टू रिमेन काम, तो वो उन्होंने बहुत सा एक एग्जाम्पल दिया। एग्जैक्टली कंसीडरिंग ऑल द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड टिल नाउ, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, और व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर वुमेन्स क्रिकेट सो दैट मोर एंड मोर गर्ल्स कम एंड दे टेक अप दिस एज अ प्रोफेशन, और वो ग्रेटर हाइट्स अचीव कर सके? फर्स्ट जो मैं बोलूंगी वो मैं बोलूंगी अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो यहाँ पे काफी नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट है उन वहाँ पे मुझे लगता है कि काफी टैलेंट होंगे। जो लोग डरते होंगे कि मैं कैसे खेलूँ, सोचते होंगे मैं कैसे खेलूँ, अगर वो चीज उस चीज के लिए अगर बीसीसीआई कुछ कर सकता है तो काफी लड़कियां निकलेंगे। क्योंकि बहुत लोगों का भी मैं जितना देख रही हूँ और जितना सुनने में आ रहा है कि काफी लड़कियों को इंटरेस्ट आ रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। तो एक वो चीज है। और बाकी अभी जैसे 6 7 8 महीने हो गए हमको ज्यादा से ज्यादा 4 5 ही मैच खेलने को मिले हैं या फिर 2 3 खेलने को मिले हैं। तो मैं कोविड के चलते बोल सकते हैं वैसे भी हमको बहुत कम मैचेस मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मुझे पर्सनली आई फील मैचेस थोड़े और बढ़ने चाहिए। जितने हम खेलते हैं उसके अगर डबल भी हो जाए तो भी काफी हेल्प करेगा हमको खेलने में, जो मैच सिचुएशन है उसको हैंडल करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो मुझे तो लगता है मैचेस और थोड़े हमको मिलने चाहिए और ऐसे जो पेरेंट सपोर्ट होने चाहिए खास करके लड़कियों को। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि हम और ज्यादा से ज्यादा मैचेस देखें गर्ल्स वुमेन्स के लिए भी। अमीन भाई, शैला आपसे बात करना चाहती है, शी से शी इज योर बिगेस्ट फैन। आई थिंक अ लॉट ऑफ बहुत सेइंग यू आर प्राइड ऑफ उड़ीसा एंड दे वांट टू यू नो से दे हैव बिग रिस्पेक्ट ऑफ यू एंड दे वांट टू से हाय टू यू। उनके जो प्रेयर्स है वेल विशेस है उसके बदौलत मैं हूँ यहाँ पे। तो मैं उनके उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस।
एक बेस्ट एडवाइस जो अभी तक आपको मिली है और किससे मिली है, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? एक बेस्ट एडवाइस ऐसे अभी याद तो नहीं आया, लेकिन जो मेरे कोच है खिरोद बेहरा, वो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं हमेशा से, जब से मैं उनके पास गई हूँ। 11 साल हो गए अभी, और अभी तक के वो जो भी बोलते हैं मुझे तो काफी मोटिवेशनल लगता है कि हाँ, ये फील होता है मुझे कि हाँ ये अच्छे अच्छी चीज है, और जो जिस पे मैं काम करती हूँ तो मुझे रिजल्ट भी मिलता है। तो मुझे एक दो तो याद भी नहीं है, लेकिन जो भी मुझे एडवाइस मिला है, अच्छा बुरा जो भी, मैं सर से ही मिला है, तो मैं बोलूँगी कि अगर मिला है कुछ बहुत अच्छा तो सर से, अगर अच्छा भी वो सर से। जी ओके। बात करते हैं, आपने आप ओडिशा पुलिस के लिए भी काम करते हैं, तो वो जो मतलब क्रिकेट में तो आप नेशन को सर्व कर ही रहे हैं, साथ में वहां भी आप नेशन को सर्व कर रहे हैं, तो वो उससे आपका जुड़ना कैसे हुआ और वो एक्सपीरियंस कैसा? जब भी हम एक बार ओडिशा की टीम 2015 में ऑल इंडिया रनर्स अप हुई थी, उस टाइम पे ओडिशा पुलिस, ओडिशा गवर्नमेंट ने स्पेशल एक टीम के लिए उन्होंने बोला था कि क्रिकेट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो करो। तो उस टाइम पे काफी लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन फिर मुझे इतना, मैं तब छोटी थी और मुझे खेलने पे ज्यादा फोकस करना था, मुझे पता नहीं था कि वहां पे कैसा क्या हुआ, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर 2-3 साल बाद मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छी चीज करी है हमारे गवर्नमेंट ने कि हमको बस ज्वाइन करना है, हमको जॉब पे जाना नहीं होता है, बस हम जब तक खेल रहे हैं, हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब तक हम अगर हम पुलिस ज्वाइन नहीं करें, मतलब ड्यूटी पे नहीं जाए तो चलेगा। तो वो चीज काफी अच्छा है कि आप पूरा टाइम क्रिकेट को दे सकते हो, लेकिन आपका जो जॉब है वो है कि आप, हाँ एक जॉब है आपके पास, लेकिन आप पूरा टाइम क्रिकेट को दे रहे हो, तो वो काफी अच्छा है। ओडिशा गवर्नमेंट को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी उसके लिए। अगर बात करूं मैं आपके हाईलाइट करियर की, तो आपके हिसाब से कौन सा एक मैच या कौन सा ऐसा पहले या दो भी रहा है जो आपके करियर का अभी तक का हाईलाइट रहा हो? काफी 2-3 साल पहले हमारे जोन होते थे, जोन मैचेस, जो ईस्ट जोन हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो स्टेट्स होते हैं उनको, जो अच्छे करते हैं उनको उनको लेके जोन टीम बनती है। तो उसमें 2015 में मेरा परफॉर्मेंस बहुत काफी अच्छा था, काफी एक्टिव, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि 4 मैचेस में वो 2 डेज मैचेस होते थे, तभी मैंने 4 मैचेस में 15 विकेट्स लिए थे। एक 4 विकेट हॉल था, 2 4 विकेट हॉल था, एक 3 विकेट, 3 विकेट हॉल था। तो और बैटिंग में 250 थे, एक 35 नॉट आउट, तो वो परफॉर्मेंस ज्यादा मेरे, मुझे अभी तक के वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि उस टाइम पे उनके साथ, तभी भी जो जोन में होते थे, सेंट्रल जोन में मिताली दी, हरमनदीप, और सब होते थे हमारे साथ, झुलंदी होते थे ईस्ट जोन में, तो उनके साथ खेलना, उनके अगेंस्ट खेलना, उनसे वहां पे परफॉर्म करना, वो अच्छा था मुझे, मेरे मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट और बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकती हूँ मैं। उसी दौरान आपने एनसीए में भी टाइम स्पेंड किया था थोड़ा? हाँ, उस टाइम पे सीनियर थे, में मुझे चांस मिला था। तभी आपको काफी बड़े लोगों जो लेजेंड्स है क्रिकेट के हाँ उनसे जी, हाँ जी, मिलने सीनियर का। इनसे मतलब बिल्कुल, आप जिन लोगों को टीवी में देखते हो, जिन जिनको सोचते हो कि इनके साथ कभी खेलना है, उनके साथ उठने बैठने का मौका, उनके साथ खेलने का मौका, तो वो टाइम बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए अभी तक के। जी बिल्कुल, जितना आप सीखते हैं जितना आप मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो एक ज्यादा से ज्यादा मतलब खुद सीखने को मिलता है कि जो खेल रहे हैं जो आज कर रहे हैं उन्हीं से आप डायरेक्टली सीख पा रहे हैं। यस, एंड टू आर सरप्राइज आपने एक मूवी में भी एक्ट किया है जो सुपरहिट थी, तो वो कैसे हुआ उस बारे में भी बता दीजिए। वो तमिल मूवी थी एक्चुअली। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि आ जाओ करते हैं, एक फन के लिए करते हैं, और तुम कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम में वो है। मैंने कहा, मैंने पहले सोचा नहीं था कि वो सीरियसली बोल रही है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था, अभी मैचेस जो वो टाइम था शूटिंग का, तभी ऑफ सीजन होता है, तो मैंने कहा कि कर सकते एक बार ट्राई, तो मैंने ऑडिशन देना नहीं पड़ा था लकीली मुझे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था और मेरे पास भी टाइम नहीं था वहां पे जाके ऑडिशन देने का।
तो मैं डायरेक्टली सिलेक्ट हो गई थी मूवी के लिए। फिर मैं वहां पर गई और शिवा कार्तिकेय जो है तमिल मूवी के बहुत बड़े सुपरस्टार, और अरुण राजा कामराजन वो डायरेक्टर थे, ऐश्वर्या राजेश वो थे लीड हीरोइन, उनके साथ काफी अच्छा था वो टाइम। जो भी 1 महीना हम थे वहां पे, वो क्रिकेट से तो काफी अलग था। वो क्रिकेट में आप जाओ, इतना टाइम है आपके पास, फोकस करो, हो गया। वहां पे तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत मजेदार था। और आधे लोग की आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, तो काफी फन था, और उस काफी वेल स्पेंड टाइम था मेरे लिए, का अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। आई कैन सी अ लॉट ऑफ हार्ट्स कमिंग इन फॉर दैट मूवी एंड वॉट एवर यू आर स्पीकिंग अबाउट. तो अगर आप उनके लिए एक वो डायलॉग बोल दे कोई भी आपको जो पसंद हो, तो दे विल बी वेरी हैप्पी आई गेस, बिकॉज दे आर रिक्वेस्टिंग अस टू स्पीक इन तमिल, बट सॉरी आई आई डोंट नो, तो आप प्लीज. वो मुझे पता है, थैंक यू को बोलते हैं नदरी नंदरी ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। एक डायलॉग में बोल सकती हूँ कि मैंने खुद ने डब किया था तमिल में, पोड़ांदे पोड़ांदे ऐसे, बहुत अच्छे से याद नहीं है, ऐसे कुछ था इल्ला पोड़ा दे ऐसे कुछ। ओके, आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू नो दिस देन. बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. आई होपफुली आप इसको भी आगे कंटिन्यू करें, क्रिकेट के साथ एक्टिंग भी और अपना क्रिकेट भी. पता नहीं, लेकिन अगर कुछ अच्छा मिले तो जरूर। आपके रोल मॉडल कौन है क्रिकेट में? हुम आर यू आइडियलाइजिंग? आइडल अगर मैं ऐसे बोलूं तो विराट कोहली को मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट एज ए बैट्समैन, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं और जैसे वो परफॉर्म करते हैं हर एक मैच में, हर एक टूर्नामेंट में, उनके ऊपर जब जैसे टीम डिपेंडेंट रहते हैं, उस चीज को मैं काफी फॉलो करती हूँ। लेकिन अगर आप बॉलिंग को बोले कि किसको आप आइडल मानते हो, तो मुझे रविचंद्रन अश्विन, उनसे काफी इंस्पायर हुई, उनके बॉलिंग स्टाइल से, उनके जो थिंकिंग है, उनके जो वेरिएशंस है, उनके जो विकेट्स और बैट्समैन रीड करने का कैपेबिलिटी है, उसको मैं काफी फॉलो करती हूँ। जी बिल्कुल. और जैसे वो अपने गेम में बार बार वेरिएशंस, अपने हर बॉल पर वेरिएशंस दिखाते, तो आप थोड़ा उससे भी इंस्पायर होकर कुछ वेरिएशन ट्राई करते रहते हैं, या फिर हाउ डू यू लाइक वर्क ऑन दिस? एक एक मुझे अच्छा टाइम था, उस टाइम एनसी की बात ही है, वो अश्विन वहां पे थे और वो अपना बॉलिंग टारगेट कर रहे थे, तो उनको वहां पे मैंने बहुत नजदीक से और बहुत पास से देखा था, तो मैं देख रही थी कि वो हर एक चीज ट्राई कर रहे हैं, हर एक, और इतना स्मूथली और इतना जेंटली कर रहे थे, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ ये इतने लेवल पे है, लेकिन फिर भी अपना जो बेसिक रूटीन है वो बहुत काफी अच्छे से फॉलो करते, तो तब से मैं बहुत बड़ी फैन हूं उनकी। जी बिल्कुल. और जैसे आपने विराट कोहली की भी बात करी, तो सभी उनके फैन हैं. जो वो कमिटमेंट उनका क्रिकेट के लिए है, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं और जिस तरीके से लीड करते हैं, तो डेफिनेटली कमांडेबल है. तो जी बिल्कुल. एक मैसेज जो आप अपने फैंस को अभी देना चाहते हैं, और जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, जो उनको अगर आप देना चाहें कोई मैसेज? मैसेज मैसेज तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर मैं बोलूंगी एडवाइस अगर आपको ठीक लगे तो, क्रिकेट को आप अगर टाइम दे रहे हो तो अपना जो जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो वो दो, रिटर्न में क्रिकेट आपको उतना ही देगा जितना आपने क्रिकेट को दिया है। और अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, तो मुझे से पर्सनली फील, अगर आप डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हो कुछ भी काम, क्रिकेट को, क्रिकेट की बात नहीं करो, लाइफ में आप एक डिसिप्लिन तरीके से रह रहे हो और अच्छे इंसान इंसान बन के रह रहे हो, तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो मैं चाहती हूँ कि जो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, तो लाइफ में अच्छा इंसान पहले बने, फिर बाकी चीजें, वो चीज आप अच्छी चीजें अपने आप होती रहेगी अपने साथ। जी बिल्कुल. जो आपकी पीस ऑफ एडवाइस से, आई होप लोग उसको फॉलो करें. डेफिनेटली दे सक्सीड सक्सीड वन डे. तो ये थे आपकी क्रिकेट रिलेटेड बातें. मैं थोड़ा सा आपसे ऑफ द क्रिकेट रिलेटेड और एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगी. तो पहले आप ये बताइए कि व्हाट आर योर हॉबीज, हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम? वो तो टाइम क्रिकेट में ही जाता है, बाकी और कुछ अभी तक तो मुझे दिखा नहीं करने के लिए, क्रिकेट में ही ज्यादा टाइम जाता है। और बाकी मैं
मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। क्रिकेट जब नहीं होता है तब तो मैं टीवी देखती हूँ या तो मैं सोती हूँ, बस ये तीनों चीजें मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा, बाकी अभी रेस्ट मोड पे है। ओके, फनीस्ट मोमेंट रिलेटेड टू क्रिकेट ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो अभी तक हुआ हो? फनीएस्ट मोमेंट है, एक हमारे सीनियर है जो बॉलर है, ऑफ स्पिनर है, तो एक बार वो बैटिंग करने जा रहे थे, और बैटिंग करने जाते हो तो आप अंपायर को बोलते हो कि ऐसे गार्ड मांगते हो कि लेग स्टम्प चाहिए या फिर मिड स्टम्प चाहिए, तो वो जाके बोलते राइट आर्म ओवर सर, बैट दिखाते हैं लेग स्टम्प लेने के लिए, लेकिन बोलते राइट आर्म ओवर सर, तो काफी फनी है वो काफी जहन में घूमता रहता है। जी बिल्कुल। और हैप्पीएस्ट मोमेंट? सॉरी, हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी हैप्पीएस्ट तक? मोमेंट वही था जब हम 2015 में रनर अप हुए, दिल्ली के साथ मैच था और हम लोग फंस गए थे, मतलब हम ऐसे टाइम से निकले कि हम जीत रहे फिर फंस गए थे। वही दीदी जिनके बारे में भी बात कर रही हूँ, प्रियंका दी, उन्होंने लास्ट ओवर में एक बाउंड्री चाहिए था, तो उन्होंने बाउंड्री लगाया, वो मेरे लाइफ का अभी तक के सबसे हैप्पीएस्ट और पीसफुल मोमेंट है मेरे लिए। जी, अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो आपको जल्दी से आंसर देना है, जो भी आपको फर्स्ट आपके माइंड में। आपकी फेवरेट मूवी? कना फेवरेट सॉन्ग? डिपेंड्स ऑन माय मूड, ओके, तो करंटली विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू? एक वालिया करके है पंजाबी, मोस्टली पंजाबी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एक वालिया करके, वो फेवरेट फूड? आई एम नॉट ए फूडी बट आई लाइक दही बड़ा, ओके। फेवरेट प्लेयर? फेवरेट विराट कोहली, शॉट जो आपको पसंद हो? स्वीप। स्वीट। ओके, फेवरेट डिलीवरी जो आपकी गो टू डिलीवरी है, जैसे ही आप मतलब अगर कुछ हो, ब्रेक थ्रू लेना चाहो तो वो डिलीवरी आप सबसे ज्यादा बॉल करते हो। बस बेसिक फ्लाइट दो, टप्पे पे डालो। स्टेडियम ओके, फेवरेट स्टेडियम? पॉन्डिचेरी एल से, फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी टिल डेट? 2015 बीटिंग दिल्ली। ओके, अब आपको चांस मिले कि आप एक मैच फिर से खेल सकते हो, यू कैन रीलिव दैट मैच अगेन, रीप्ले दैट मैच अगेन, तो वो कौन सा होगा और क्यों? तो वो अभी जो हम खेल के आए हैं आईपीएल हाँ, सुपरनोवास के साथ, वो खेलना चाहूंगी मैं, और जितने भी टीम वाले थे वो सब वही मैच हम लोग खेलना चाहेंगे, और हमको खुद से एक और बार प्रूफ करना चाहेंगे कि हम इससे बेटर हैं। जी बिल्कुल। स्मार्ट क्रिकेटिंग ब्रेन अकॉर्डिंग टू यू? स्मार्टेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन अकॉर्डिंग टू यू? मिताली दी, जब से आपने क्रिकेट देखा और खेला या जो भी, तो एक जो मेमोरी है इंडियन क्रिकेट बोलते से ही आपके माइंड में सबसे ज्यादा आती है और आप उसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो कौन सी होगी? अभी याद तो नहीं आ रहा, लेकिन जब हम एनसी में होते हैं और डी टाइम होते हैं हम लोग, तभी हम कुछ कुछ खेलते रहते हैं, तभी वो जो छोटी छोटी हरकतें होती है वो ओके, टफेस्ट बॉलर यू हैव फेस्ड? वैसे तो मैच में जो सब टफेस्ट लगते हैं, लेकिन मुझे एकता बिष्ट जो है उनको खेलना मजा आता है और अच्छा लगता है, चैलेंजिंग लगता है। ओके, टफेस्ट बैटर यू हैव बॉल टू? हरमनप्रीत कौर, हैरी दी, ओके, एक बैट्समैन, एक बैटर जिसका आप विकेट लेना चाहते हो? हैरी दी, अगेन हैरी दी, क्योंकि दो बार ऐसा हुआ है, दो बॉल ऐसा हुआ है जो मतलब काफी क्लोज से उनको मैं मतलब वो डिसमिस हो सकते थे लेकिन नहीं हो पाए, तो मेरा वो एक अधूरा अधूरा सपना बोल सकते हैं वैसा है, तो मैं हैरी दी का एक बार तो जरूर उनको आउट करना चाहूंगी। अभी तक आपने जो भी विकेट्स लिए, तो आपका फेवरेट विकेट और फेवरेट स्पेल? फेवरेट विकेट मैं बोलूंगी कि जो मैंने लास्ट ईयर आईपीएल में लिया था, कॉटन बॉल लिया था, जो वेस्ट इंडीज के कैप्टन है उनका, एक्चुअली मैंने लास्ट ओवर में एक रन आउट मिस कर दिया था, तो उसका प्रेशर काफी था मेरे ऊपर,
नेक्स्ट ओवर मुझे बॉलिंग मिला और उनको मैंने कॉटन बोल लिया, जो आप बोल सकते कि फंसा के बैट्समैन को फंसा के विकेट लेना उसका तो काफी बहुत बड़ी चीज होती है, तो मेरा वो फेवरेट विकेट है। और स्पेल की बात करें तो स्पेल मेरा एक, मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में सीनियर्स वनडे में 5 विकेट हॉल लिया अभी हरियाणा के लिए, तो मैं वो अपना बेस्ट बॉलिंग मानूंगी परफॉर्मेंस। और हम चाहेंगे कि ऐसे परफॉर्मेंस बार बार आते रहे, तो वी विश फॉर दैट। मोस्ट थैंक यू। एडवेंचरस थिंग यू हैव डन टिल डेट? मोस्ट एडवेंचरस? एडवेंचरियस अभी वो, लेकिन बोलने चाहिए, हम लोग छुप के एक बार मूवी देखने चले गए थे एक कैंप में, तो वो बहुत ही डरावना था क्योंकि हम छुप के गए थे, अलाउड नहीं था जाना बाहर कहीं, और हम चले गए थे। तो जब आ रहे थे तब तो हम जब जा रहे थे एक्चुअली जब जा रहे थे तब मैम मिल गए सामने, तो मैं एक गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में से घुमा रही थी कि जाना है, वो मुझे देख, उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने छुपा के मैं बोलती मैम आप कहाँ गए थे बाहर, तो वो डर गए, सबको मना था और मैं जा रही थी, तो हम वो मुझे अच्छा था, वो एडवेंचरस बोल सकती हूँ मैं उसको, क्योंकि बहुत काफी एडवेंचर था उसमें। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सुश्री आपसे बात करके। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और जल्दी से हम चाहेंगे कि आप इंडियन टीम में आए और हमारा और सबका और अपना और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू सो मच, और आपसे बात करके काफी मजा आया, और ये मेरा बोलूं कि मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है, मैंने किया नहीं है, मुझे मन नहीं था, और अभी मजा आ रहा है करके, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप भी आगे बढ़ो और आपका जो ड्रीम्स है वो फुलफिल करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू। होप टू यू सी यू सून। जल्दी हम ये लाइन छोड़कर आई होप सिचुएशन आप नॉर्मल हो और फेस टू फेस इंटरव्यू ले। थैंक थैंक यू सो मच, यू सो मच, बाय। बाय।